जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, बिबडोंग और टैंगशन के बीच एक खतरनाक फाइट चल रही थी। उसके बाद घोस्ट लिप्ट रोंग रोंग को मारने के लिए उसके पास चला गया था और फिर रोंग रोंग को उनकी दादाजी स्वॉर्ड मास्टर ने घोस्ट लिप्ट को मारकर उसे बचाया था। अब हम टियांडो आर्मी को देखते हैं, जो हुआन एम्पायर के आर्मी को बहुत बुरी तरीके से हरा रहे होते हैं, जिससे हुआन एम्पायर के आर्मी इन लोगों से डर कर भाग रहे होते हैं। तभी बिबडोंग अपनी आर्मी को रोकती है और उससे कहती है, तुम सभी यहीं पर रुको और परमिशन बनाओ। जिसे सुनकर टैंगशन को पता चल जाता है, अगर यह परमिशन बन गए तो हमारी आर्मी बहुत ही कम समय में हार जाएगी। यह पता चलते ही टैंगशन सी गॉड ट्राइडेंट को बाहर निकाल लेता है और अपना पावरफुल अटैक को तैयार करने लगता है। इसे देखकर बिबडोंग डर जाती है, क्योंकि लास्ट टाइम इसी ट्राइडेंट से सी गॉड ने बिबडोंग की हालत खराब कर दी थी। और फिर बिबडोंग कहती हैं, यह अच्छा नहीं हुआ। और यह अटैक को देखते हुए बिबडोंग फिफ्थ सोल स्किल का इस्तेमाल करती है और बिबडोंग अपनी चारों ओर एक शील्ड बना लेती है, जिसे देखकर टैंगशन बिबडोंग पर सी गॉड ट्राइडेंट की फर्स्ट टेक्निक को लॉन्च कर देता हूँ, जो देखकर बिबडोंग बचकर भागने लगते हैं और वो अटैक उसके चारों ओर घेर लेता है। तभी टैंगशन इसी तरह के अटैक को बिबडोंग के सोल मास्टर पर कर देता है, जिसे देखकर बिबडोंग हैरान हो जाते हैं और वही टैंगशन उन सभी एल्डर्स को कैद कर लेता है, जिसे कोई एल्डर्स बाहर नहीं निकल पाता है। और फिर टैंगशन कहता है, अब इन्हें पता चलेगा कि एक रियल गॉड की पावर कितनी होती है। और फिर टैंगशन फोर्थ सोल स्किल ब्लू सिल्वर केज को एक्टिवेट करके उन सभी एडलिस को उसमें फंसा देता है और अपने दोस्तों से कहता है, जल्दी से इन पर अटैक करो। जो सुनते ही शू सबसे पहले डेमन बेयर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और वो सबसे पहले फर्स्ट स्पिरिट टेक्निक एंड सिक्स्थ स्पिरिट टेक्निक से अटैक करते हैं और डेमन बेयर को डिफेंस करने का कोई मौका नहीं देती है और उसे हरा देते हैं। और हम देखते हैं मोटू ऑस्कर के साथ मिलकर एक पावरफुल अटैक को तैयार कर देता है, जिसे देखकर गोट क्लैन के चीफ कहती है, तो यह फीनिक्स स्पिरिट पावर का इस्तेमाल कर रहा है। और वो मोटू से डर रहे होते हैं और कह रही होती है, यह कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी वह अपनी फोर्थ स्पिरिट टेक्निक का यूज करती है और फिर हम देखते हैं कि हेल टाइगर भी वहां आ जाता है और वो अपनी प्रोटेक्टिव स्पिरिट बॉडी का इस्तेमाल करने लगती हैं, जिसे देखकर वो दोनों सोल मास्टर ब्लू सिल्वर केज को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं, पर इसे कुछ नहीं होता है और फिर वो दोनों ही पूरी तरह से घायल हो जाते हैं। और यह देखकर बिबडोंग कहते हैं, सी गॉड की यह टेक्निक बहुत पावरफुल है, टैंगशन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। और तभी हम देखते हैं पॉइजन मास्टर भी बैटल फील्ड में आ जाते हैं और तभी फिश मास्टर अपनी पॉइजन से उस पर अटैक करता है और इसके रास्ते में आने वाले सभी सोल्जर मरने लगते हैं और पॉइजन मास्टर भी इस मास्टर पर अटैक करते हैं और दोनों के अटैक आपस में टकराने एक पॉइजन निकलता है और आसपास के सभी सोल्जर्स मरने लगते हैं और इनकी फाइट ऐसे ही चलने लगते हैं। इसके बाद हम ड्रैगन एल्डर की फाइट देखते हैं, जिसमें इन दोनों की पावर लेवल होने के कारण यह दोनों ही एक दूसरे को नुकसान कर लेते हैं। और यह सब देखकर बिबडोंग टैंगशन से कहती है, अगर तुम हुआन हॉल प्रोटेक्शन में जाते हो तो मैं तुम्हारी किसी भी आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जिस पर टैंगशन कहता है, मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। सच तो यह है कि यह सब तुम्हारी सेल्फिश होने के कारण ही हो रहा है। तुमने सभी को अपने लिए इस्तेमाल करना ही सही समझा है, पर मैं तुम्हारी तरह सेल्फिश नहीं हूँ। मैं अपने साथ फैमिली अपनी लोगों को प्रोटेक्ट करूँगा। यह सुनकर बिबडोंग अपनी प्लस बैक में चले जाते हैं और फिर वो कहते हैं, और फिर मैं किसी भी कारण से पीछे नहीं हटेंगी, यह मेरी सेल्फिश भी क्यों ना हो। उसी समय हम बैटलफील्ड में देखते हैं, जो टियांडो आर्मी हुआन हॉल के फॉर्मेशन को तोड़ने में लगे होते हैं, जिसे देखकर ऑस्कर और मोटर कहते हैं, कुछ समय में बिबडोंग की परमिशन पूरी तरह से टूट जाएगी। जिसके साथ ही हम देखते हैं
टियांडो एम्पायर आर्मी हुहन हॉल के आर्मी को मारने के लिए जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी जा रहे होते हैं, और यहाँ सबसे ज्यादा टियांडो आर्मी को उन सोल बिस्ट से ज्यादा पैदा हो रहा होता है जिनकी मदद से यह लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। और फिर मार्शल जिलांग कहते हैं, यह बहुत अच्छी बात है, हमारे आर्मी 10 किलोमीटर से आगे बढ़े हैं। जैसे ही हम होली ड्रैगन क्लैन और ब्लैक टाइगर क्लैन को डिफीट कर लेंगे, वैसे ही हम बड़े आसान से ज्वाइनिंग पास पर कब्जा कर सकते हैं। और फिर ग्रैंड मास्टर कहते हैं, यह दोनों ही क्लैन में से यह दोनों थर्ड नंबर पर आते थे और इनकी पावर एलिफेंट क्लैन से भी ज्यादा है, और मुझे इसी बात का चिंता है कि वो हमारी आर्मी पर फिर से ना अटैक करें। इसके बाद हमारा सीन फिर से बैटल ग्राउंड में आता है, जहां टियांडो आर्मी को रोकने के लिए ड्रैगन क्लैन और ब्लैक क्लैन के सोल्जर आ जाते हैं, जिनके साथ उनकी सोल बिस्ट भी लेकर आते हैं, और उन पर टियांडो आर्मी का किसी भी अटैक का असर नहीं हो रहा होता है, और वो धीरे धीरे करके टियांडो आर्मी को पीछे धकेल रही होती है और उन पर भारी पड़ रहे होते हैं, जिसे धीरे धीरे टियांडो आर्मी कमजोर पड़ने लगते हैं। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे हो, प्लीज वीडियो को लाइक करके चालू को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।